खबर शामिल करते हैं लाहौर से नवाज शरीफ की बतौर पार्टी सदर बहाली की दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर कर दी गई नवाज़ शरीफ की बतौर सदर मुस्लिम लीग नून उहदे पर बहाली के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है मकामी वकील आफाक एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़ अख्तियार किया गया है कि दो में नवाज़ शरीफ को कौमी असम्बली से नाहल करार दिया गया 2018 में अदालत ने नवाज़ शरीफ़ को पार्टी सदारत से हटाने का हुक्म दिया दरख्वास्त में इस्तिदा की गई है कि अदालत नवाज़ शरीफ़ को पार्टी सदारत पर बहाल करने का हुक्म दे दरी असना लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नवाज़ शरीफ़ को बतौर सदर मुस्लिम लीग नून बहाली की दरख्वात पर एतराज़ आयद कर दिया जिसमें कहा गया है कि नवाज़ शरीफ़ को सुप्रीम कोर्ट ने नाहल किया है लाहौर हाईकोर्ट समात नहीं कर सकती सब़ वज़़़़़ीम नवाज़ शरीफ़ को पार्टीहदे पर बहाल करने से मुतक़ वकील आफ़ाक़ एडवोकेट की जानब से दायर दरख्वास्त में इमरान ख़ान शेख रशीद इलेक्शन कमीशन वफ़ाकी हुकूमत और वज़ीआज़म पाकिस्तान को फ़रीक़ बनाया गया है दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान ख़ान शेख रशीद ने नवाज़ शरीफ़ को सरबराही से हटाने की दरख्वास्त दायर की थी दो में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ़ को पार्टी सदारत से हटाने का हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन ने एन ए पचानवे मियावाली से इमरान ख़ान को नायल करार दे दिया है इमरान ख़ान को पार्टी सरबराही से नहीं हटाया गया अदालत नवाज़ शरीफ़ को पार्टी सदारत पर बहाल करने का हुक्म जारी करे